मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बच्चों के बीच में संवाद करते हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन अपने सांसदों को थोड़ा को उसके बीच में संवाद करके उनको भी थोड़ा सा डायरेक्शन दे दें कि हमारे नाम पे कब तक लड़ते रहोगे। दक्षिण भारत से कभी बीजेपी जो है सीट खींच के नहीं ला पाई थी, यहाँ के जो प्रभारी केंद्र से नियुक्त किए गए यूपी के अंदर जब घुसे हैं तो अपना दिमाग चलाने लगे, जो वहाँ पब्लिक प्लेस से काम कर रहे थे उनको इग्नोर किया गया, उनकी बातों की कोई तवज्जो नहीं दी। जिनके घर पानी नहीं आता है उनको आप पूछिए कि पानी नहीं आता है, उनको पूछिए कि केजरीवाल छूटना चाहिए नहीं छूटना चाहिए। दारू के लिए वो अंदर गए हैं तो पानी के लिए लोग इधर तरस रहे हैं। सरकार तो चला रहे ना, केंद्र की सरकार जो बैठी हुई है दिल्ली वालों को पावर देगी, सबको अपने पास पावर रख रखा है, दिल्ली सरकार को पावर देगी तब तो आगे आगे काम करेगी कि नहीं करेगी। जो है पानी का प्रॉब्लम चल रहा है तो व्हाट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू वर्क फॉर योर पीपल, नॉट यू गोइंग टू धरना 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 ऑल द टाइम। सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद अब विधानसभा चुनाव का जल्दी आगाज होने वाला है। विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारी करना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि भाजपा ने अपने स्टार प्रचारक तक उतार दिए जिस राज्य में अभी विधानसभा चुनाव होने, जिस वह आज जहां मैं खड़ी हूँ चांदनी चौक है। दिल्ली विधानसभा की बात करेंगे कि इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है और लगातार भाजपा कह रही है कि वो जेल से नहीं छूटेंगे। आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल रिहाई हो गए उनकी बात, फिर बाद में उनकी रिहाई जो है उस पर रोक लग गई, पर देखना यही होगा क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार गठबंधन में नहीं है, तो क्या इसका जनता पर कितना असर पड़ेगा और वोट पर कितना असर पड़ेगा। तो सीधा यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, 400 पार का नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, 400 पार नहीं हो पाए, बैलेंस में चल रहा है दोनों का। अब विधानसभा चुनाव के लिए क्या लग रहा है, क्या माहौल है जनता के? पहले 400 पार का जवाब ले लीजिए आप। बिल्कुल, दक्षिण भारत से कभी बीजेपी जो है सीट खींच के नहीं ला पाई थी, यहाँ के जो प्रभारी केंद्र से नियुक्त किए गए यूपी के अंदर जब घुसे हैं तो अपना दिमाग चलाने लगे, जो वहाँ पब्लिक प्लेस से काम कर रहे थे उनको इग्नोर किया गया, उनकी बातों की कोई तवज्जो नहीं दी गई। वही कारण जो 43 पे चले गए, कितने पर रह गए कांग्रेस और सपा, 43 पे चले गए, ये नीचे आ गए। अगर वहाँ पे ये ध्यान दिए होते तो 370 ये प्लस हो सकते थे, पार हो सकते थे भाजपा वाले। सबसे ज्यादा डिफीट अगर खाए हैं यूपी पश्चिमी में, तीसरे चरण में चुनाव करवा दिए क्योंकि यहाँ पे उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ सीटें निकल गई। पूर्वांचल को समझ रहे थे कि यहाँ के 80% हमारे हैं, 80% ने धोखा दिया। कॉन्फिडेंस लेट हुआ क्या? कॉन्फिडेंस लेट हुआ। 2014 से जो कुछ हमने देखा, जो विकास देखा, उस चीज पे जो है कंगना सही कहती कि 2014 के बाद ही देश को आजादी मिली है। आजादी तो बहुत पहले मिल गई थी। तो कंगना क्यों कहती है? इसीलिए संवाद करने के लिए बोलता हूँ कि अपने सांसदों में जो संवाद कर लेते कि उनका भी थोड़ा एक स्क्रू खुल जाता। केजरीवाल जी रहेंगे जेल से, आप चीफ मिनिस्टर रहेंगे, यहाँ पे आते रहना, उसके बाद जो है उनको कोई हराने वाला विधानसभा में नहीं है। मोदी जी केंद्र के लिए अच्छे हैं, केजरीवाल को दिल्ली बहुत पसंद करती है, कोई मस्जिद भाग रहा है। धरने पर बैठी हुई अनिश्चितकालीन, कहाँ धरने बैठी हुई, गोगल में ब्रेकफास्ट समय, ब्रेकफास्ट खाने के समय खाना, आप देखी थी 24 घंटा इस गर्मी में बैठ जाती तो पता चल जाता। विधानसभा चुनाव के लिए क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले जेल से छूट पाएंगे? वो तो जिनके घर पानी नहीं आता है उनको आप पूछिए कि पानी नहीं आता है, उनको पूछिए कि केजरीवाल छूटना चाहिए नहीं छूटना चाहिए। दारू के लिए वो अंदर गए हैं तो पानी के लिए लोग इधर तरस रहे हैं। देख रहे हो 2001 से उनकी सरकार, वो मुख्यमंत्री रहे हैं,
वहाँ पे हमने सरकार देखी है उनकी, वहाँ पे कैसी सुशासन किया है वो सब वो पूरे देश में लगा रहे हैं, इसीलिए तीसरी बार चुन के आए हैं। ठीक है, तो तीसरी बार चुनने का मतलब क्या है, जनता ने उन पर विश्वास किया है। कुछ भी छोटी बड़ी बातें हैं लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मोदी जी के ऊपर बैसाखी पर है वो सरकार। नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं कि वो क्यों नहीं बना देते सरकार। अगर वो बैसाखी पे हमको बोल रहे हैं, बीजेपी वालों को बोल रहे हैं, गुजरात के हमारे नेता उनको बोल रहे हैं, तो वो क्यों सरकार नहीं बना देते? और पिछले 14-15 सालों से वो क्यों सरकार नहीं बना रहे हैं? और 60 सालों से तो उनका ही राज था, तो लोगों को नारा भी दिया था, वो भी नहीं पाया। वो अगर नहीं हो पाया है तो कई जगह पे छोटे छोटे वोटों से हारे, थोड़े थोड़े वोटों से हारे हम। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 400 पार भले ही नहीं आया हो, लेकिन पूर्ण बहुमती की सरकार हमारी एनडीए की बनने वाली है। ठीक है, कोई भी नहीं पलटेंगे, नहीं पलटने वाले। नीतीश भाई ने ऐसा बोला था, नीतीश भाई ने ऐसा मंच पे बोला था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पिछली बार गलती हो गई थी, इस बार गलती नहीं होगी। नीतीश पलट जाते हैं, इतिहास है ना, तो इतिहास बदलना भी मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी इतिहास बदलने में माहिर है। टीडीपी वाले यानी कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, वो 4% मुस्लिम आरक्षण मांग रही है, क्या लग रहा है भाजपा वाले मानेंगे इस चीज के लिए? वो तो अभी आगे देखने की बात है, वो पार्लियामेंट्री मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो नक्की होगा वो नेताजी नक्की करेंगे। सब वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रोसीजर होता है, उसमें वो नक्की करेंगे और वो जो देना होगा वो रूल्स के हिसाब से जो होता होगा वो करेंगे। दिल्ली का मॉडल कैसा लगा? दिल्ली का मॉडल मुझे, मैं इधर घुमा तो जहां तक बात करूं तो केजरीवाल का मॉडल इधर फेलियर है, क्योंकि हर जगह पे पानी की बूम आ रही है, ट्रैफिक की समस्या है, पॉल्यूशन भी है, गर्मी उसके हिसाब से बढ़ रही है। तो दिल्ली वालों को मैं ये संदेशा देना चाहूंगा गुजरात से आके कि आप भी इधर मोदी जी का शासन, बीजेपी का शासन लाइए और फिर हमारा गुजरात मॉडल इधर डेवलप होगा, और गुजरात मॉडल के जैसा दिल्ली बनेगा तो इधर भी विकास की गाथा होगी। अच्छा, जैसे ही पीएम मोदी कार्यभार संभालते हैं तमाम घटनाएं हो जाती हैं, आपने देखा जम्मू कश्मीर में शरणार्थियों के साथ हमला हो गया, आतंकी हमला हुआ, पेपर लीक हो जाते हैं, बिहार में पुल टूट रहा है, क्या कहना चाहेंगे? और मोदी जी अभी तक साइलेंट है। यूपीए की सरकार थी तब हर रोज ऐसा कुछ ना कुछ होता था, मीडिया उस टाइम पे उतना एक्टिव नहीं थी इसलिए कुछ आता नहीं था। मोदी जी साइलेंट नहीं है, सब एक्शन कर रहे हैं, वो क्यों बता के नहीं करेंगे कि मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ? तब मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी। ठीक है, तो हाँ इसीलिए मीडिया इस बार दिखा रही है, और जो दिखा रहे हैं उसका मोदी जी पॉजिटिवली ले रहे हैं और उस पर एक्शन ले रहे हैं। मणिपुर पर अभी तक क्यों नहीं बोल पाए? बोलेंगे नहीं, करेंगे करेंगे। हाँ, तो अब जब पूरा बर्बाद हो जाए? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो सब चालू होगा। साल से ज्यादा हो गए। हमारे हमारी सरकार में क्या होता है, मोहन भागवत ने भी बोल दिया आपको, वो भी बोलेंगे और हमारे मोदी जी भी करेंगे, वो हमको विश्वास है। ऐसे तो 60 सालों से यूपीए का शासन था, कई सारी घटनाएं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें तो कुछ तो हो रहा है, आपको दिख तो रहा है। विधानसभा इस बार दिल्ली में कौन लेके जा रहा है, क्योंकि 7 सीट लोकसभा की भाजपा लेके गई है, विधानसभा के लिए कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं। दिल्ली वालों के जल नल में से जल नहीं आ रहा है, वही दिखा रहा है कि अभी इस बार भाजपा की पूर्ण बहुमति की सरकार इधर दिल्ली में बनने जा रही है। हमने देख लिया, ईडी जब तक सरकार तो चला रहा है ना, केंद्र की सरकार जो बैठी हुई है, दिल्ली वालों को पावर देगी, सब तो अपने पास पावर रख रखा है। दिल्ली सरकार को पावर देगी तब ना वो भी आगे आगे काम करेगी कि नहीं करेगी? सेंट्रल पावर कौन सा पावर दिया भाई? सेंटर ने कौन सा पावर दिया बताइए जरा, सब उसके हाथ में दे रखा भाई, होता है वो केजरीवाल के हाथ में। क्या फोर्स को दे दें इनके हाथ में? कोई फोर्स कोई मारा जो दिल्ली उसका विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल? अब ये तो देखिए, कोर्ट आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। ओके, मैं एक बात है, मैं तो दिल्ली देखता हूँ टीवी में जो आता है, एक्चुअली मुझे बहुत आइडिया नहीं है आगे सिस्टम के, लेकिन आज तक मैं इतना बोलूंगा कि पास्ट में 70 साल से कांग्रेस ही थी इधर, कांग्रेस ने कैसे किसको पावर नहीं दिया, और केजरीवाल जी जो मैंने तो कल देखा आतिशी जी को जो टीवी में दिखा दे रहे थे, वो कुछ यहाँ धरने में बैठे, धरना हर बात का सोल्यूशन नहीं होता, काम हर बात का सोल्यूशन होता, काम करके दो ना, पानी नहीं है तो जो यहाँ के आपका जो सिस्टम है, हमारे तो यहाँ प्रॉब्लम कुछ वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो व्हाट्स योर ड्यूटी? यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू वर्क फॉर योर पीपल, नॉट यू गोइंग टू डायरेक्टली धरना 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 ऑल द टाइम। ओके, तो लाइफ में ये मेरा सोच ये है, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, मुझे कुछ इस यहाँ की सिस्टम नहीं मालूम, लेकिन इतनी बात मैं जो टीवी में दिख रहा हूँ, मैं अलग चैनलों में आते रहते हैं। हाँ देखो, डेवलपमेंट तो मैं इतना बोलूंगा, भारत का विकास जो कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ था ये सरकार में हुआ है। हाँ,
अभी भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जातिवाद, बरोबर। ये मेरा जाति का, ये मेरे जाति का, यहाँ हाँ जैसे हम कल जाके हम कई फ्रांस में देखे, लंदन में देखे, या वहाँ ऐसा कोई नातिवाद नहीं देखता, वहाँ इंसान कैसा है, काम करता है कि नहीं करता, उसके सिस्टम क्या है, उस पर वोट होता है। और भारत का सबसे देखो, हमारा मोदी जी से गुजरात का नाता तो बहुत पुराना है, 25 साल से मैंने मोदी सरकार देखी है। गुजरात में भी आज की डेट पे आप देखो तो ऑलवेज डेवलप स्टेट है वो, लेकिन मोदी जी के आने के बाद बहुत सारी चीजें हुई है, जैसे GIDC वहाँ पे बहुत क्रिएट हुए है, अच्छे रास्ते तो भारत के भी रास्ते सारे डेवलपमेंट में एकदम बढ़िया हुआ है, भारत के रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बहुत तेजी से बढ़ा, एज वेल एज इकोनॉमिक्स भी आप देखो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है। आज आप US इकोनॉमिक देखो, UK की इकोनॉमिक देखो, हमने इनको ब्रेक कर, इवन जर्मनी ब्रेक हो रही है, जहाँ इंडिया आ रही है तो काम ही नहीं होता, तो कोई वर्क ही नहीं होता, तो कैसे इकोनॉमिक इंडिया ग्रोथ करती। आज 10 साल के बाद ऐसा होगा कि जितने विदेश में आज जो लोग जा रहे हैं वो भारत में आएंगे वापस, सेम आज कैनेडा में हो रहा है, US में हो रहा है, UK में हो रहा है, तो ये सिस्टम, आई एम एजुकेटेड, बरोबर, आई एम PhD, ओके, तो हम कुछ इस बात को एक समझ सकते हैं कि विकास तो हुआ है, लेकिन विपक्ष से ऑलवेज कहने वाला है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाकी आज देखो UP में क्या हो रहा है, खुद के पूरे खानदान सब नेता है, बराबर है, जब बॉम्बे में देखो पूरे सब खानदान, शरद पवार का पूरा खानदान देखो पूरा नेता, लालू का खानदान देखो पूरा नेता, इनके इनकी सब घर की पार्टियां ही चलती है। दिस इज माई पर्सनल व्यू। जो मेडिकल व्यवस्था है हमको इतनी अच्छी लगी, सबसे इंसान आज जो है पीड़ित है बीमारियों से, दिल्ली में आप घूमते रहिए, पर्ची कटाते रहिए, सुबह चले जाइए शाम तक जो है फिर काल पाल आपको पकड़ा देंगे, आगे जांच के लिए प्राइवेट में भेज देंगे आपको। बातचीत करने के लिए देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए जनता से जानने के आए थे कि जनता इस बार क्या मूड है, क्या माहौल है, और इस बार विधानसभा चुनाव दिल्ली का कौन सी पार्टी लेके जा रही है। हालांकि यहां पर अरविंद केजरीवाल को पसंद भी किया जा रहा है, पर उनकी नीति और पानी की किल्लत की वजह से उन्हें नकारा भी जा रहा है, पर देखना यही होगा कि विधानसभा चुनाव के लिए तीनों पार्टियां कौन सा बड़ा खेला करेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।